दोस्तों वाटर हीटर का यूज तो आप करते ही होंगे। इसका यूज अक्सर हम ठंड के मौसम में पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन वाटर हीटर को कैसे बनाया जाता है, और इसी के साथ हम बहुत सारी अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वाटर हीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले इसके कनेक्शन वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है, फिर मशीन द्वारा वायर को जोड़ा जाता है। इसके बाद वाटर हीटर के पार्ट्स की ड्रेसिंग की जाती है, फिर इन्हें रोलिंग मशीन में भेजकर इन्हें चिकनाई दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद फायर मशीन से इन पर ग्लू को लगाया जाता है, जिससे ये पार्ट जुड़े रहते हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब इन पार्ट्स के बन जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री से लाए गए पार्ट्स को जॉइंट किया जाता है, फिर हाथों से इसके वायर वाले पार्ट पर स्क्रूइंग की जाती है। स्क्रूइंग होने के बाद इन सभी पार्ट्स को जोड़कर ग्लू को लगाया जाता है, जिससे यह पार्ट्स हिल ना सके और ज़्यादा अच्छी मजबूती से चिपक जाए, ताकि यह अच्छी तरीके से पानी को गर्म कर सके। फिर इसके पीछे वाले ढक्कन को जोड़कर फाइनली इनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग से पास होने के बाद इन्हें फैक्ट्री से रवाना कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में सबसे पहले इनके खोखले पार्ट्स को तैयार किया जाता है। अब इन पार्ट्स पर मशीन द्वारा प्रेशर लगाकर इन्हें मजबूत बना दिया जाता है, फिर इन मेटल प्रोडक्ट को हीट किया जाता है। थोड़े समय के बाद इन्हें वापस निकाल दिया जाता है, फिर इन पार्ट्स पर ड्रिल मशीन द्वारा छोटे छोटे होल किए जाते हैं। होल हो जाने के बाद इनकी सैंड ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे इस पार्ट्स पर और निखार आ सके। फिर इन्हें पानी और कलर के साथ पेंटिंग किया जाता है। पेंटिंग होने के बाद अब इसकी डिस्प्ले को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब इन पार्ट्स की चेकिंग की जाती है, फिर इसके पीछे वाले पार्ट्स पर मशीन से डिजाइन बनाई जाती है, जो स्क्रीन को पकड़ने में सहायता करती है। अब डिस्प्ले की मशीन द्वारा चेकिंग की जाती है कि डिस्प्ले अच्छी तरीके से वर्क तो कर रही है या फिर नहीं। अब इनके छोटे छोटे पार्ट्स की असेंबलिंग की जाती है। असेंबलिंग होने के बाद इन पार्ट्स को खोखले वाले पार्ट से जोड़ा जाता है, जो कि पीछे वाली बॉडी होती है। इन पार्ट्स के जुड़ जाने के बाद इस पार्ट्स को स्क्रूइंग कर लिया जाता है। अब दोस्तों इस मोबाइल की फुल असेंबलिंग की जाती है। फुल असेंबलिंग के बाद इन्हें फैक्ट्री से रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, डिश टीवी एंटीना मैन्युफैक्चरिंग। डिश टीवी एंटीना को बनाने के लिए सबसे पहले मेटल शीटों को मशीन में डालकर इनके द्वारा राउंड शेप को तैयार किया जाता है। अब इस राउंड आकार की शीट को वापस मशीन में डालकर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया जाता है। अब इसके किनारों को अच्छी तरह से मशीन द्वारा चिकना बना लिया जाता है, जिससे इस शीट को छूने से हाथ कटने का डर न रहे। अब इस प्रोसेस के बाद इसमें होल किए जाते हैं, जहां पर नट बोल्ट को अच्छी तरह से लगाए जा सकें। अब इन सांचों पर हाथों से कंपनी की नेम की प्रिंटिंग की जाती है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बन जाता है एंटीना।